एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरे दिल से आके अपनी बोंगियाँ मार सकते हैं, तो हमने भी वो आगाज़ कर दिया अपनी बोंगियों का। लेकिन पोस्टर भी आप देख सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्टर है। हमारे साथ है वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। थैंक यू। भैया आप हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं कि आप इस प्ले में क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैया मजीद है और ये मेरा फर्स्ट थिएटर प्ले है और मैं नूरी की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ। कैरेक्टर तो मेरा बहुत छोटा सा है क्योंकि हमारा प्ले बहुत लंबा था तो वो कट कट के बहुत छोटा हो गया है। एनीवे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शाह शरफ़ील साहब ने बिल्कुल मौका दिया और वो हमेशा नए लोगों को प्रमोट करते हैं, चांस देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जर्नी हम कराची में पूरा एक स्पेल करके आए हैं जो कि 17-18 डेज़ का था। फिर हमने इस्लामाबाद किया, इस्लामाबाद ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हम बहुत खुश हैं कि इस्लामाबाद ने हमें प्रॉपर अप्रिशिएट किया और अब हम लाहौर में हैं। लाहौर में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा अभी तक का हमारा स्पेल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है और हम बहुत खुश हैं। बड़े अच्छे हैं लाहौर के लोग, बड़े वेलकमिंग और क्या कहना चाहिए, बड़े खुश मिजाज लोग हैं यहाँ के, तो बहुत मज़ा आया। सही। अच्छा सुमैया, अब आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आप इस कैरेक्टर का आपने किस तरह से, यानी कि पिछली जो आपकी जर्नी है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे?
अच्छा देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, और मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रही थी. बस मुझे शौक हो गया, मैंने जाके एक इंस्टीट्यूट है एक्टर स्टूडियो के नाम से, जो लोग एक्टिंग सिखाते हैं बताते हैं कराची में, तो मैंने उसे ज्वाइन किया. और फिर शाह साहब के वो हो रहे थे, ऑडिशंस हो रहे थे, मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया, और फिर इस तरह मैं यहाँ आ गई. हमारे साथ कास्ट के एक और मेंबर मौजूद हैं, तो अभी हम उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, अपने आप कैरेक्टर के बारे में बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल गनी है, और इस प्ले में जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसका नाम राजू है. और बेसिकली ये दो भाइयों की कहानी है, बल्कि तीन भाइयों की कहानी है. दो मेरे ही सगे भाई हैं जो कि शुरू में अलग हो जाते हैं, वो तो आपको पता है. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी. और बस वो कहानी है, फिर वो किस तरह माँ जो है एक बच्चे की परवरिश किस तरह हो रही है, दूसरे बच्चे की परवरिश किस तरह हो रही है, और फिर वो लोग मिल जाते हैं, और बाकी तो आपने देखा भाई क्या होता है क्या नहीं होता. तो इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि राजू है, क्योंकि वो ऐसा लड़का है, क्योंकि उसके वालिद जो हैं वो चले गए और उसको घर चलाना होता है, तो बचपन में भी बहुत शरारती होता है, छोटी मोटी चोरियाँ वोरियाँ करता है. बड़ा होता है तो फिर वो पक्का चोर बड़ा बड़े कार्रवाइयाँ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है. फिर वो अपने भाई को भी इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसकी उसकी भाभी से नहीं बनती, राजू की जो है बेसिकली वो जो नूरी है उससे बनती नहीं है, क्योंकि एक नूरी है जो उसको मुँह तोड़ जवाब देती है और उसका सामना करती है, बाकी लोग तो फिर भी करते हैं. तो बचपन में भी वो चीज़ दिखाई है, बड़े में तो वो एक रिक्वेस्ट करेंगे गनी भाई से कभी हम थोड़ा सा राजू दिखाएं. राजू दिखाओ. बेसिकली मेरी जब एंट्री होती है तो मैं एक गाना बैक स्टेज से गाता हुआ आता हूँ, और पंजाबी गाना है तो कैमरा दे रखे हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ. सिगरेट तो भी मेरे पास नहीं है, सही सही, तो उसमें जैकेट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, और फिर मैं गाना गाते हुए उसमें आता हूँ. मेरे ज़ालिमा वे मैं मर गया. ये क्यों रो रहा है, कोई मर गया क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. अबे खालिये धक्के, मिल गई नौकरी, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिल भी गई तो कितने कमा लेगा, 10,000-20,000, ज्यादा से ज्यादा क्या 25,000-30,000 पास, वो भी पूरे महीने में. अबे भाई की बात मान, इस कुत्ते वाली जिंदगी से बेहतर है मार 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 समझा. देख तेरे को मोटरसाइकिल तो चलाने आती है, बाकी काम भाई का है. मैं आप ना थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं. मैं बेसिकली जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो है रावी का. रावी जो है बेसिकली स्टोरी आपको सुना रहे, तो मैं वो बंदा हूँ जो आपको आके एक कहानी बता रही, जो दो भाइयों की कहानी वो मैं ही सुना रहा हूँ. नरेशन, बिल्कुल नरेशन जो है वो मैं कर रहा हूँ. सही सही सही. एंड क्योंकि कहानी जो फैली हुई है बहुत कई लंबे अरसे में, कुछ हमने 25 साल दिखाए हैं पूरी स्टोरी में, तो 25 साल ऑब्वियसली हम ऑन स्टेज नहीं दिखा सकते, तो फिर हमें ज़िंदगी भर बैठना पड़ेगा यहाँ पे जो कि लोगों के पास टाइम है, तो हमें 2 घंटे में वो 25 साल की कहानी कम्प्लीट करनी थी. तो उसमें जो मेरा काम है वो मैं समरीज बीच में देता रहता हूँ कि अब ये टाइम था, अब ये वक्त आ गया, इस वक्त से इस वक्त तक हम यहाँ पहुँच गए. सही. तो वो मेरा काम है. फिर उसके साथ साथ मैं बीच में गाने भी गा रहा हूँ, मैं थोड़े बहुत पार्ट्स में आके डांस भी कर रहा हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है. बैक स्टेज आने का एक मकसद था, स्टेज पे तो हमें वो एक चीज़ नज़र आती है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड चीज़ नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे जो तैयारी होती है और क्या मामला होते हैं, क्या उछलना होता है, वो आपको दिखाना था मकसद बैक स्टेज आने. जैसे कि आप देख सकते हैं मेकअप रिहर्सल्स बहुत कुछ होता है बैक स्टेज, बड़ी इंटरेस्टिंग रहता है बैक स्टेज.